नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। गाजियाबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। वहीं 2024 के लिए पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम बीएस पाठक भी शामिल हुए। साथ ही पश्चिम क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उद्देश्य संगठन में शिष्टाचार, प्रेम भाव और नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह का स्वागत और परिचय सभी कार्यकर्ताओं से कराया गया। संगठन में एकता और विस्तार पर और अनुशासन पर भी बल दिया गया। गाजियाबाद में पीसी के बाद इस समय पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लगातार अपना एक प्रेस वार्ता के बाद लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। अंदर का माहौल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है। खासतौर पर मीडिया ने कुछ समय पहले वहाँ से बाइट विजुअल लिए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी लोग मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी अंदर मौजूद हैं। सभी की कुर्सी लगाई गई है, लगातार उनको ब्रीफ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर खासतौर पर पूरी एक रणनीति तैयार कर रही है। सभी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ एकत्र किया गया है, मंत्रियों को यहाँ पर एकत्र किया गया है, क्योंकि दो डिप्टी सीएम का यहाँ पहुँचना, गाजियाबाद का दौरा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है भाजपा सरकार की तरफ से। क्योंकि आज ही के दिन जो नोएडा में त्यागी समाज ने जिस तरह से महापंचायत का आयोजन किया, तो कहीं ना कहीं इस पंचायत को लेकर भी काफ़ी चिंता बीजेपी को सता रही है। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं भाजपा के समर्थक जो हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग बाहर भी मौजूद हैं, क्योंकि अंदर एक लिमिट के हिसाब से वहाँ पर कुर्सियाँ रखी गई थी। तो कुछ अपनी अपनी लाइन में सब लोग बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं यहाँ से, कई यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं 2024 को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, खासतौर पे उसको खासा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है भाजपा की। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। सोनभद्र के रेणुकूट में जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए सदैव समर्पित मानवता की थाली ने वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर शिविर आयोजन किया गया। इसमें 60 साल के ऊपर के लोगों का निशुल्क नेत्र परीक्षण और टूटे फूटे चश्मों को बदलने का शिविर आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नेत्र चिकित्सकों ने आंख का चेकअप कर दवा भी दी। कुशीनगर के संगम स्थल के रूप में सीमाओं के बीच स्थित छोटी गंडक नदी व मौन नाला का संगम स्थल है, जहां पर वर्तमान विधानसभा हाटा के विधायक मोहन वर्मा अर्थक परिश्रम से एक मुक्ति धाम का भव्य उद्घाटन समारोह किया है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भगवान बुद्ध की स्थली पर पूजा अर्चना करते हुए बुद्ध घाट का निरीक्षण कर कार्य किया गया। मथुरा के बाकी बिहारी मंदिर में हुई घटना में दो लोगों की मौत हो गई और वहीं लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद इस मामले में अब जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उस समय ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद एसएसपी और डीएम के साथ नगर आयुक्त सभी अपने परिवार के साथ वीडियो बनाते हुए, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर की ड्यूटी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो गोसाई हो, चाहे वो मंदिर प्रबंधक समिति के लोग हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हर आदमी अपना ड्यूटी कार्ड विद लैपल पहन के ही ड्यूटी करेगा। अगर नहीं पहना है तो वो ड्यूटी पे नहीं माना जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं अभी करी जा रही हैं और इसमें विस्तृत चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जिसको आगे आपको बताया जाएगा। थैंक यू। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो थे वो कृष्ण जन्म स्थान पर थे और कृष्ण जन्म स्थान से यहाँ की दूरी करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर है, तो वहाँ पर तो बहुत ही सुलभ और बहुत ही सतर्क व्यवस्था करी गई थी। परंतु यहाँ की व्यवस्था हम लोगों को नहीं लगता है, हमें केवल एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे लापरवाही बरती गई मंदिर प्रशासन द्वारा, जिसका कारण आपके सामने आया। देवरिया के भागलपुर क्षेत्र ज्ञान छपरा निवासी के बेटे नायाब सूबेदार बटालियन के पद पर आसन राइफल बटालियन के 35वें मणिपुर में तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उनका बेटा शहीद हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव छपरा पहुंचा दिया गया है। मैनपुरी में थाना एलाऊ क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र मशना में बीती रात करीब 25 बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बदमाश परिसर में रखा लाखों के तांबे के तार लूट के ले गए। जिसके जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों को मुक्त कराया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंच गई।
ये जो फेंसिंग है इसको काट के लगभग 20-22 बदमाश यहाँ बिजलीघर पे आ गए, और जैसे ही मतलब रात के 12 बजे के लगभग स्टाफ अंदर से बाहर वॉशरूम के लिए वगैरह के लिए निकला तो स्टाफ को बंधक बना लिया। बंधक बना के उन्होंने 12 से 4 बजे तक ट्रांसफार्मर में चोरी करते रहे, जिसमें मतलब उन्होंने लगभग 1100 किलो के लगभग इन्होंने कॉपर निकाल लिया, बाकी जो ट्रांसफार्मर की सिलिकॉन स्टील की पत्तियां वगैरह जो थी वो बाहर निकाल के फेंक दी। ये संज्ञान में आया कि रात लगभग 12 बजे 20-22 बदमाशों ने हमारे जो 3 स्टाफ थे उनको बंधक बना के और जो ट्रांसफार्मर या 3 एमवीए का रखा हुआ था इसको खोल के इसके अंदर से कॉपर पाइप्स चोरी कर। सर ये भी जानकारी मिली है कर्मचारियों को पूरी रात मारा थी। हाँ, पहले उन्होंने जो हमारे यहाँ 3 कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया बराबर के कमरे में, और लगभग 3-4 घंटे जो है वो रख चुके। कोई छोटा काम नहीं है जो खुला गया है ट्रांसफार्मर। खबर देवरिया से, जहां जनपद के प्राथमिक विद्यालय पचरुखिया के सहायक अध्यापक और ग्राम प्रधान ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच पत्र में अखंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। वहीं इन विषय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि सर वहाँ पर वो महिला हैं, कहती हमेशा कहती रहती हैं कि मैं आपको आपको यहाँ से ऐसा आरोप लगाकर हटाऊंगी कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये छीटाकसी सर हमेशा किया जाता है बच्चों के सामने चाहे ग्रामीण के सामने। सर मैं काफ़ी भयभीत हूँ। सर अब एक दिन हम गए थे कॉलेज में, कॉलेज में सुबह हम 7 बजे घूम रहे थे तो वहाँ सहायक अध्यापक थे, तो सहायक हम घूमते कॉलेज में चले गए। कॉलेज में गए तो सहायक अध्यापक थे, सहायक अध्यापक से पूछे कि सर क्यों कॉलेज खुला नहीं है, तो सहायक अध्यापक कहे कि देखिए सहायक अध्यापक 7 बजे आ गए थे लेकिन 8:30 बजे का लमसम टाइम हुआ हो रहा था। उसके बाद वहाँ हम थे, उसके बाद हम पूछे क्यों कॉलेज खुला नहीं है, उसके बाद एक बताए कि हमारे पास चाबी नहीं है, शिक्षा मित्र उनके पास चाबी है, तब तक वह शिक्षा मित्र वहाँ आई तो खुला। उस पर भी इस मैटर का भी हमने संज्ञान लिया है, उस पर हमने सुनवाई लगाई है, सुनवाई में सारे तब सामने आएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। संभल में जिला प्रभारी ने आज एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि कुछ पत्रकारों द्वारा जारी हुआ वीडियो फर्जी है, जिसमें कहा गया है कि मेरे साथ मारपीट की घटना घटी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही मेरी गाड़ी पर 4 हुटर पाए गए। आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन कहीं से कहीं तक भी वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। जो उन्होंने कहा कि फोन करके पैसों की मांग की गई है या खनन अधिकारी बताया गया है, पैसों की मांग की गई, कई सारे उन्होंने आरोप लगाए लेकिन ये सारे जो है जांच का विषय है, इसमें कॉल डिटेल निकलवाई जाए। अगर मैंने उनके नंबर पर अब से 1 महीने पहले तक भी कॉल की है या कभी कॉल भी की हो उन नंबरों पर जिनसे वो कह रहे हैं कि पैसे मांगे गए, मैं एक ही नंबर इस्तेमाल करता हूँ, अगर मेरे नंबर से कॉल डिटेल भी निकल जाए कि मैंने फोन किया है तो आप मान लेना कि ये सही आरोप है। खबर संभल से, जहां पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने तस्करों से 21 लाख रुपए से ज़्यादा का सोना बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों को जेल भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीवस्ती जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विधायक राम फेरन पांडे ने उत्तर प्रदेश परिवहन में नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए शुभारम्भ किया, जो कि भिनगा बस अड्डा से प्रतिदिन 11 बजे से भिनगा वाया बहराइच वाया लखनऊ वाया कानपुर जाएगी। वहीं नई बसों का संचालन होने से लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी। अमेठी के रायबरेली जिले के नसीराबाद थाने क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के आयल में स्थित MCA विंग के इलाज के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया और मृतक की बहन ने थाना में लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।
16-17 तारीख को बीमार था शाम को, रात में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, तो रात में 12:20 पे 18 डेट लग गई थी 12 बजे के बाद, तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 108 नंबर एम्बुलेंस पे कॉल की और हम उसको हॉस्पिटल ले गए ओएल जिला अस्पताल में, एमरजेंसी में एडमिट कराया, वहाँ पर उसका इलाज शुरू किया, डॉक्टर की निगरानी में इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दी, बॉटल चढ़ाई और उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगा के वो रूम से बस बाहर ही निकला था बिल्कुल, और वो 5 मिनट के अंदर उसके मुंह में झाग निकलने लगी। डायरिया था उसको और डायरिया के शक में उसको वहाँ पे भर्ती कराया। सुबह 6 बजे तक उसका जो भी ट्रीटमेंट चला, बच्चा बहुत स्वस्थ था, सुंदर ठीक था, और इसके बाद में उसने जूस वगैरह भी मांगा, सब कुछ है लेकिन स्वस्थ था। इसके बाद में एक कोई स्टाफ वाला आया और उसको एक इंजेक्शन दिया, उसके 5 मिनट के बाद ही वो बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगी, वो एक्सपायर हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।